उर्दू सीटर है लेकिन आप तीन तीन लोग भी आरटीओ सर, तीन महीने में हमने काम किया है उसका क्रेडिट आप बार बार देते हैं, आप ज्वाइंट एफर्ट है, अभी आप लोग हैं सर्विस डिलीवरी जो लोग हमें देते हैं, सबसे बात हुई क्या सब कह ही रहे हैं तो हमको ट्रेन करने के लिए लगभग 6,000 लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स में अभी तक कर चुके हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स को शुरू में किया गया था, मिल्क सप्लायर्स को किया गया, बेकरी के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको किया गया, वाजा को किया गया, रेस्टोरेंट के साथ जो लोग काम करते हैं उनको, होम डिलीवरी जो करते हैं उनको लेके किया गया है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी पिछले हफ्ते से चल रहा है और आज जो थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा है इनको ट्रेन किया जा रहा है नए एसओपीज को लेके, जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको बताई गई हैं कि मास्क पहनना मैंडेटरी है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है उसका, फिजिकल डिस्टेंसिंग की क्या ज़रूरत है, और उसके बाद पर्सनल हाइजीन को लेके बेसिक क्या एसओपीज अडॉप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस अच्छी हो, लोगों को ट्रेन किया जाए नए एसओपीज को लेकर ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। एक स्टेप आगे लेके जो भी अपने बसेज और मिनी बसेज के लोग हैं उनकी भी हमने ट्रेनिंग शुरू की है, रूट्स वगैरह हमने आइडेंटिफाई किए हैं ताकि जैसे हॉस्पिटल्स या ऑफिसेज या ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे सप्लाई नहीं है, सर्विसेज नहीं है, वहाँ पर वर्क किया जा रहा है कि एक ग्रेडेड मैनर में इसको शुरू किया जाए, उस पर हम वर्क कर रहे हैं एक्टिवली एसोसिएशंस के साथ। प्रोग्राम था ये COVID-19 के बारे में था, चूँकि आजकल हम बाहर निकलते हैं ऐसा लगता है कि COVID-19 था ही नहीं, जब हम घर पहुँचते हैं टीवी ऑन करते हैं वहाँ लगता है कि कोई बचेगा ही नहीं, तो इसलिए हमने अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया था आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की इस प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा आज का इवेंट था ये काफ़ी कामयाब रहा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का भरपूर ताउन किया हमारे ड्राइवर साहिबान ने, तो आपकी वसादत से मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि हमारे ड्राइवरों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो इनके अकाउंट में दिया जाए।